कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आइए, आज आपके पाठ द्विघात समीकरण के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे मूलों की प्रकृति की। तो हमने पिछले सेशन में आपने सीखा है कि समीकरण ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी की घात 2 माइनस 4ac बटा 2a द्वारा देय होते हैं। यदि b की घात 2 माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो हम दो भिन्न वास्तविक मूल माइनस बी बटा 2a प्लस वर्गमूल b की घात 2 माइनस 4ac बटा 2a और माइनस बी बटा 2a माइनस वर्गमूल b की घात 2 माइनस 4ac बटा 2a प्राप्त करते हैं। यदि b की घात 2 माइनस 4ac 0 के बराबर है तो x बराबर माइनस बी बटा 2a प्लस माइनस 0 अर्थात x बराबर माइनस बी बटा 2a या माइनस बी बटा 2a है। अतः समीकरण ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल माइनस बी बटा 2a हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस स्थिति में द्विघात समीकरण ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल हैं। यदि b की घात 2 माइनस 4ac 0 से कम है तो ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिनका वर्ग b की घात 2 माइनस 4ac हो। अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के इस स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं है क्योंकि b की घात 2 माइनस 4ac यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। b की घात 2 माइनस 4ac को इस द्विघात समीकरण का विविध कर डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। एक द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व समझते हैं। एक द्विघात समीकरण ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के पहला दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि b की घात 2 माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, दूसरा दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। यदि b की घात 2 माइनस 4ac 0 के बराबर हो, तीसरा कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि b की घात 2 माइनस 4ac 0 से कम हो। आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, द्विघात समीकरण 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आइए हल देखते हैं। दिया गया समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है जहां a का मान 2 है, b का मान माइनस 4 है और c का मान 3 है। इसलिए विविध कर b की घात 2 माइनस 4ac क्या हो जाएगा? 4 की घात 2 माइनस 4 की घात 2 माइनस 4 गुना 2 गुना 3। ये देखिए 4 गुना 4 हो गया 16, माइनस 4 दुनी 8, 8 दिए 24, 16 माइनस 24 होता है माइनस से 8 जो 0 से कम है। अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। समीकरण 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 बटा 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए a का मान क्या है बच्चों? 3 और b का मान क्या है? माइनस 2 और c का मान 1 बटा 3। इसलिए विविध कर b की घात 2 माइनस 4ac क्या हो जाएगा? माइनस 2 की घात 2 माइनस 4 गुना 3 गुना 1 बटा 3। यहाँ देखिए 3 और 1 बटा 3 का 3 कट गया, हमें मिला 4 माइनस 4 जो 0 के बराबर है। अतः
द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हैं। ये मूल माइनस बी बटा दो ए माइनस बी बटा दो ए अर्थात दो बटा छः अर्थात एक बटा तीन हैं। आशा करती हूँ समझ में आया। आगे देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं। यदि वास्तविक मूल हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमारे पास समीकरण है 8x की घात 2 प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ देखिए a का मान क्या है 8, b का मान 2 और c का मान माइनस 3। हमें निकालना है d जो है b की घात 2 माइनस 4ac के बराबर, जिसको हम कहते हैं विविधकर। अब हमने इसको 2 की घात 2 माइनस 4 गुना 8 गुना माइनस 3। यहाँ देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसलिए 4 प्लस 8 चौक 32 को 3 से गुना करते हैं, क्या आएगा हमारे पास प्लस 96, ये हो गया 100। आपने देखा यहाँ पर d शून्य से बड़ा है। जब d शून्य से बड़ा होता है तब हमारे पास वास्तविक मूल होते हैं और वो भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक मूल हैं, हमें उन्हें ज्ञात करना है। हमारे पास फॉर्मूला था माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b की घात 2 माइनस 4ac बटा 2a। तो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस वर्गमूल 100 बटा 2a। a कितना है 8। इसको हम लिख पाएंगे माइनस 2 प्लस माइनस 10 बटा 16। तो इसका पहला मूल होगा माइनस 2 प्लस 10 बटा 16 और दूसरा मूल होगा माइनस 2 माइनस 10 बटा 16 जो कि बराबर होगा 8 बटा 16। और उसको हम और सरलीकरण करेंगे, हमें मिल जाएगा 1 बटा 2। और इसी प्रकार x 2 क्या हो जाएगा माइनस 12 बटा 16। 4 से काटते हैं, 4 तीय 12, 4 चौक 16। तो हमारे पास दूसरा मूल आ गया माइनस 3 बटा 4। इस तरीके से हमने दोनों मूल वास्तविक मूल ज्ञात कर लिए। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हमारे पास समीकरण है माइनस 2 एक्स की घात 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 बराबर 0। ए का मान क्या है बच्चों? बिल्कुल ठीक माइनस 2 और बी 3, सी का मान 2। यहाँ पे सबसे पहले हम डी निकालेंगे जो बी की घात 2 माइनस 4 ए सी के बराबर होता है। यहाँ देखिए 3 की घात 2 माइनस 4 गुना माइनस 2 गुना 2, 3 गुना 3 9 प्लस ये कितना हो गया 4, 4 चौक 16, ये हो गया आपका 25। यहाँ आपने देखा ये शून्य से बड़ा है तो हमारी मूल वास्तविक है और भिन्न है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? माइनस बी प्लस माइनस, हम इसको d लिख लेते हैं, अपॉन 2a बटा 2a, ये हो गया माइनस 3 प्लस वर्गमूल 25 बटा 2 इंटू माइनस 2 और दूसरा मूल होगा माइनस 3 माइनस
वर्गमूल 25 बटा 2 गुना माइनस 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3 प्लस वर्गमूल 25 होता है 5 बटा माइनस 4, जो बराबर होगा 2 बटा माइनस 4, और इसको हम माइनस 1 बटा 2 भी लिख सकते हैं। और दूसरा मूल होगा माइनस 3 माइनस 5 बटा माइनस 4, ये हो गया माइनस 8 बटा माइनस 4। माइनस माइनस दोनों कट हो जाएंगे तो हमारे पास मूल आ जाएगा 2। तो हमारे पास दो मूल हुए बच्चों, माइनस 1 बटा 2 और 2। समझ में आया आपको? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 5x की घात 2 माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पे a का मान क्या है? 5, और b का मान माइनस 2, और c क्या है? यस, माइनस 10। तो हम पहले d निकालते हैं, b की घात 2 माइनस 4ac, जिससे हमें मूलों की प्रकृति पता चलेगी। माइनस 2 की घात 2 माइनस 4 गुना 5 गुना माइनस 10, तो ये हो गया 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 पंजे 20, 20 को 10 से गुना किया तो कितना आ गया? 200, तो ये हो गया 204। ठीक है, अब हम निकालते हैं पहला मूल। ये देखो शून्य से बड़ा है, इसलिए हमारे पास दो वास्तविक मूल आएंगे जो भिन्न होंगे। हमारे पास माइनस बी होगा, माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस वर्गमूल 204 बटा 2a, 2 पंजे 10। तो इसके हम पहला मूल लिखेंगे 2 प्लस 204 के हम गुणनफल निकाल लेते हैं, ये आएगा, ठीक है, तो ये हो गया, हम लिख पाएंगे 2 वर्गमूल 51 बटा 10। 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस वर्गमूल 51 बटा 10, ये हो जाएगा, तो पहला वर्गमूल हुआ, पहला मूल हुआ 1 प्लस वर्गमूल 51 बटा 5, और दूसरा माइनस साइन से आ जाएगा, माइनस 2 वर्गमूल 51 बटा 10, जिसको हम सरल करके लिख पाएंगे 1 माइनस वर्गमूल 51 बटा 10। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस वर्गमूल 51 बटा 5, ये हमारे पास एक मूल आया और पहला मूल ये था। इस प्रकार हमने दो मूल निकाले जो भिन्न हैं और वास्तविक हैं। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये हमारे पास है 1 बटा 2x माइनस 3 प्लस 1 बटा x माइनस 5 बराबर है 1। इसको हल करने के लिए हम 2x माइनस 3 गुना x माइनस 5 करेंगे, जो हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 बराबर 1। ब्रैकेट खोल देते हैं, x और 2x कितना हो गया? 3x माइनस 8 बटा, ये हो जाएगा 2x को x से गुना किया, 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 बराबर है 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8 बराबर 2x की घात 2 माइनस 13x प्लस 15। अब इसको हम लिखेंगे 2x की घात 2 माइनस 13x
माइनस तीन एक्स, तीन एक्स को उधर ले जाएंगे साइन बदल जाएगा, प्लस 15 प्लस 8 बराबर शून्य, जो हो जाएगा 2x की घात 2 माइनस 16x प्लस 23 बराबर शून्य। अब देखिए बच्चों, a का मान क्या है यहाँ पर 2 और b का मान माइनस 16 और c का मान 23। पहले हम d निकालते हैं, d कैसे निकालेंगे, b की घात 2 माइनस 4ac, माइनस 16 की घात 2 4 गुना 2 गुना 23, ये हो जाएगा 256 माइनस 8 गुना 23, इसको घटाने पे हमें मिलेगा 72, जो शून्य से बड़ा है। जब भी शून्य से बड़ा हो हमारा d, तो हमारे पास मूल आते हैं भिन्न और वास्तविक। अब देखते हैं भिन्न मूल कैसे निकालें, माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, इसमें हम मान रख देते हैं, b कितना था माइनस माइनस 16 प्लस 72 बटा 2a, 2 गुना 2 हो गया 4। अब इसको हम और सरल कर लेते हैं, 16 प्लस 6 वर्गमूल 2 लिख पाएंगे हम 72 को, 6 गुना 6 हो गया 36, 36 को 2 से गुना करते हैं 72, तो हम लिख पाएंगे 72 को 6 वर्गमूल 2 बटा 4। इसमें अगर हम 2 बाहर निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 3 वर्गमूल 2 बटा 4, और इस प्रकार हमारे पास एक मूल आ गया 8 प्लस 3 वर्गमूल 2 बटा 2। हम इसको ऐसे भी लिख पाएंगे, 4 प्लस 3 वर्गमूल 2 बटा 2, और दूसरी मूल आ जाएगी 4 माइनस 3 वर्गमूल 2 बटा 2। इस प्रकार हमने दोनों मूलों को ज्ञात किया। देखिए, समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्नावली 4.4 एनसीईआरटी की हल करते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमारे पास समीकरण है 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर शून्य, डी होता है b की घात 2 माइनस 4ac के बराबर, और यहाँ पर हमने देखा a का मान है 2, b का मान है माइनस 3 और c का मान है 5, तो माइनस 3 की घात 2 माइनस 4 गुना 2 गुना 5, तो ये हो गया 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3 हो गया 9, माइनस 8 पंजे 40 जो माइनस 31 है, और वो शून्य से कम है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि d हमारे पास शून्य से कम है। तो मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 3x की घात 2 माइनस 4 वर्गमूल 3 एक्स प्लस 4, ए का मान है 3, बी का मान है माइनस 4 वर्गमूल 3 और सी का मान है 4। अब हम निकालते हैं b की घात 2 माइनस 4ac का मान माइनस 4 वर्गमूल 3 की घात 2 माइनस 4
गुना तीन गुना चार। आप देखिए कितना हो गया, चार चौक सोलह, सोलह तिया अड़तालीस। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हमारा d का मान आ गया शून्य। जब भी d का मान शून्य आएगा तो हमारे पास मूल बराबर होंगे, तो यहाँ पर मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर शून्य। a का मान है 2, b का मान है माइनस 6 और c का मान है 3। यहाँ पर हम b की घात 2 माइनस 4ac निकालते हैं, ये हो जाएगा माइनस 6 की घात 2 माइनस 4 गुना 2 गुना 3। 6 छः 36 माइनस 8 ये 24, तो यहाँ पर हमारा d आ गया 12, जो शून्य से बड़ा है। यहाँ पर ऐसी स्थिति में हमारे पास मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। हमारे पास समीकरण है 2x की घात 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर शून्य। तो a का मान हमने 2 ले लिया, b है k के बराबर और c है 3 के बराबर। अब बराबर मूल के लिए हमारे पास क्या शर्त है? हमारे पास d शून्य के बराबर होना चाहिए, मतलब b की घात 2 माइनस 4ac शून्य के बराबर हो। तो इसको हम लिखेंगे k की घात 2 माइनस 4 गुना 2 गुना 3 बराबर शून्य। तो ये हो गया k की घात 2 आठ 24 बराबर शून्य। इसका मतलब ये 24 हो गया या k बराबर हो गया वर्गमूल 24। इसको हम और सरल कर सकते हैं, देखिए 24 को कैसे लिख सकते हैं, 12, 6 और यहाँ देखिए इसको हम लिख पाएंगे 2 वर्गमूल 6। ये k का मान आएगा, इस मान के लिए हमारे पास 2 बराबर मूल होंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। के x गुना x माइनस 2 प्लस 6 बराबर शून्य। इसको पहले हल कर लेते हैं, माइनस 2 के x प्लस 6 बराबर शून्य। तो a का मान k हो गया, b का मान माइनस 2 k हो गया और c का मान 6 हो गया। सबसे पहले हम d निकालेंगे, b की घात 2 माइनस 4 ac की मदद से, ये हो जाएगा माइनस 2 k की घात 2 4 गुना k गुना 6। तो हमारे पास आ जाएगा 4 k की घात 2 माइनस 24 k। यहाँ देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर 4 k कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा k माइनस 6। अब ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर बराबर मूल चाहिए थे, इसका मतलब d को शून्य के बराबर रखेंगे। इसका मतलब 4 k गुना k माइनस 6 को
शून्य के बराबर। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 4k गुना k माइनस 6 बराबर शून्य। हम ये जानते हैं कि 4 तो शून्य के बराबर नहीं हो सकता और k भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे k मान लीजिए शून्य हो गया तो ये तो पूरा ही शून्य हो जाएगा और 6 शून्य के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए k शून्य के बराबर नहीं है और इसलिए k माइनस 6 शून्य के बराबर है और अतः k का मान हो जाएगा 6। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं चौड़ाई, को x मीटर मान लेते हैं और लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई से दुगनी, तो 2x ले लेते हैं। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800 मीटर वर्ग। इसका मतलब लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा? 800 मीटर वर्ग के बराबर। इसका मतलब 2x की घात 2 800 के बराबर है और x की घात 2 किसके बराबर हो जाएगी? 800 बटा 2, मतलब x की घात 2 होगा 400 के बराबर। x कितना हो गया? बिल्कुल ठीक आपने कहा, x बराबर 20। ये 20 मीटर हमारी क्या आ गई? चौड़ाई आ गई, ठीक है। और लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई दुगनी है तो 2 से हम गुना कर देंगे तो ये हमारे पास 40 आ जाएगी। अब हमें देखना है क्या ये संभव है। बिल्कुल संभव है, हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल ली हैं। तो हमें कहा गया था क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो हम लिखेंगे हाँ ये संभव है। और उसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमने ज्ञात कर ली। लंबाई हमारे पास आई 40 मीटर और चौड़ाई आई 20 मीटर। आप देखिए अगर हम गुना करके देखते हैं, 20 को 40 से गुना करिए, क्या हमारे पास 800 वर्ग मीटर आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई है तो इस आकार का पार्क होगा। यहाँ हम x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं और हम जानते हैं परिमाप कितना होता है? 2 गुना x जमा वाई। तो ये हमें 80 दे रखा है। इस प्रकार हम x प्लस वाई का मान 40 प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें से हम x का मान ले लेते हैं 40 माइनस वाई। अब दूसरी शर्त क्या है? क्षेत्रफल। हम कितना है क्षेत्रफल? x गुना वाई 400 मीटर वर्ग। यहाँ से हम x की मान को यहाँ पे रख देते हैं, 40 माइनस वाई गुना वाई बराबर है 400 मीटर वर्ग। अब देखिए इसको हम लिख पाएंगे 40y माइनस y की घात 2 माइनस 400 बराबर शून्य, माइनस y की घात 2 प्लस 40y माइनस 400 बराबर शून्य। अगर हम इनके साइन माइनस 1 से गुना करें तो हमारी समीकरण
सरल हो जाएगी और हमें ये मिलेगा। अब देखिए, अगर हम इसको लिखें माइनस बीस वाई प्लस 400, तो हमारे पास इसमें क्या कॉमन है बच्चों, 20 वाई माइनस 20 आ गया वाई कॉमन लेने से, और यहाँ पे 20 हम कॉमन लेते हैं तो वाई माइनस 20 आ गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो गुणनफल आ गए वाई माइनस 20, का मतलब क्या हुआ, हमारे पास वाई आ गया 20 मीटर और एक्स कितना आ जाएगा, देखिए एक्स आ जाएगा 40 में से 20 आप घटा दीजिए तो 20 मीटर आ गया। ठीक है, तो क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है ना, जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना बिल्कुल संभव है। समझ में आया बच्चों? चलिए, अब हमने प्रश्न काफ़ी किए हैं, अब गृह कार्य ले लेते हैं। दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है के वे मान जिनके लिए द्विघात समीकरण 2x की घात 2 माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर होंगे निम्नलिखित हैं, ए केवल 0, बी 4, सी केवल 8, डी 0, 8। दूसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x की घात 2 माइनस वर्गमूल 5x प्लस 1 बराबर 0 के पहला दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, बी दो बराबर वास्तविक मूल हैं, सी कोई वास्तविक मूल नहीं है, डी दो से अधिक वास्तविक मूल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, ए 2x की घात 2 माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 9/4 बराबर 0, बी x की घात 2 प्लस x माइनस 5 बराबर 0, सी x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2 वर्गमूल 2 बराबर 0, डी 5x की घात 2 माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। चौथा है, निम्नलिखित में से किस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, ए x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 वर्गमूल 2 बराबर 0, बी x की घात 2 प्लस 4x माइनस 3 वर्गमूल 2 बराबर 0, सी x की घात 2 माइनस 4x माइनस 3 वर्गमूल 2 बराबर 0, डी 3x की घात 2 प्लस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4 बराबर 0। प्रश्न संख्या 5, एक ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग में से 84 कम करने पर वह दी हुई संख्या से 8 अधिक संख्या के तिगुने के बराबर हो। प्रश्न संख्या 6, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है, यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती है तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब देख लेते हैं, सारांश देखते हैं आज हमने क्या सीखा। एक द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व, एक द्विघात समीकरण ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के पहला दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी की घात 2 माइनस 4ac 0 से बड़ा हो। दूसरा, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी की घात 2 माइनस 4ac 0 के बराबर हो। तीसरा, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि बी की घात 2 माइनस 4ac 0 से कम हो। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा, खूब अभ्यास कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।